Welcome back. Now we'll be doing lesson number 5, module 2. In this, I'm telling you what is the matter made up of. So matter is classified as pure substance and mixture. Okay. So pure substance are further classified as elements and compounds. Okay. So matter दो में डिवाइड करते हैं मैटर को, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में. प्योर सब्सटेंस को फर्दर हम डिवाइड करते हैं एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. ओके, तो प्योर सब्सटेंस के अंदर एलिमेंट और कंपाउंड होते हैं. इसका मतलब एलिमेंट क्या है, बिल्कुल प्योर. जैसे हाइड्रोजन क्या है, एच. ऑक्सीजन क्या है, ओ. नाइट्रोजन क्या है, एन. सल्फर क्या है, एस. आयरन क्या है, एफ ई. अब आयरन का नाम आई से डालो तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका सिंबल भी आई से होगा. तो ये आप अभी आगे पढ़ोगे कि ऐसा क्यों है. ओके, अब कंपाउंड क्या है. कंपाउंड वो होता है जब दो डिफरेंट तरह के एलिमेंट मिलकर एक सब्सटेंस बनाते हैं, उसको बोलते हैं कंपाउंड. जैसे वाटर कैसे बनता है, दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जॉइन होता है तो वो क्या बनता है, वाटर. ओके, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनता है, सी और ओ टू से. अमोनिया NH3 जो है, एन और एच के थ्री पार्टिकल से. अब ये आपके लिए चैप्टर बिल्कुल नया है, क्योंकि जैसे अपन ABCD पढ़ते हैं ना स्टार्टिंग में, ऐसे हम इसको सिंबल को फॉर्मूला को पढ़ रहे हैं इस चैप्टर. तो जब मैं लाइव क्लास पढ़ाऊँगी तो बी वेरी केयरफुल, बिकॉज यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से इन दिस. ओके, अब मिक्सचर क्या है, जिसकी रेशियो फिक्स नहीं होती. अब कंपाउंड में क्या है, वाटर है. कभी आपने देखा है वाटर का फॉर्मूला H3O या HNO है, नहीं ना. क्या फॉर्मूला होता है इसका, H2O. इसका मतलब उसमें दो हाइड्रोजन होते हैं और एक ही ऑक्सीजन होता है. ओके, तो मिक्सचर में ऐसा नहीं होता. मिक्सचर में किसी भी अमाउंट में किसी भी चीज़ को मिला सकते हैं, उसको बोलते हैं मिक्सचर. ओके, सो मिक्सचर आर द सब्सटेंसेस इन विच टू और मोर देन सब्सटेंसेस आर फिजिकली मिक्स्ड. अब इसमें फिजिकली का क्या मतलब है, जैसे हम मिट्टी है, मिट्टी के अंदर क्या क्या होता है, पत्थर, कंकर, बजरी, तो ये सब हम उसको हाथ से मिलाते हैं. ओके, और किसी भी रेशो में होता है, किसी में मिट्टी ज़्यादा होती है, किसी में बजरी कम होती है, किसी में कंकर ज़्यादा होते हैं, तो वो क्या है, फिजिकली फिक्स नहीं होता वो. ओके, सो उसको बोलते हैं मिक्सचर. कंपाउंड्स का रेशियो फिक्स होता है, मिक्सर का रेशियो फिक्स नहीं होता. ओके, तो आप देख सकते हो इस टेबल में ही, आपके बुक में ही टेबल है बेटा. देखो आप मिक्सचर और कंपाउंड में डिफरेंस. मिक्सचर हैव वेरिएबल कॉम्पोजिशन. ओके, कंपाउंड्स हैव फिक्स कॉम्पोजिशन. इसका क्या मतलब है कि मिक्सचर, जैसे अभी आपको मैं बोला सैंड, तो उसमें डिफरेंट तरह के वेरिएशन है. कंपाउंड में क्या है, फिक्स है. जैसे वाटर में अगर दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है तो एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. ओके, अब मिक्सचर के अंदर क्या है, इसका कॉन्स्टिट्यूट, मतलब इसका केमिकल स्ट्रक्चर देखें तो कॉन्स्टिट्यूट ऑफ अ मिक्सचर नॉट कंबाइंड केमिकली. ओके, कॉन्स्टिट्यूंट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ कंपाउंड कंबाइंड केमिकली. मतलब अगर हम इसको गर्म करें मिक्सचर को, तो सैंड को गर्म करेंगे तो वो सैंड ही रहेगी. ओके, पर अगर हम उसको गर्म कर देंगे और उसकी स्ट्रक्चर चेंज हो गई तो वो मिक्सचर वो क्या हुआ, मतलब हम मिक्सचर को अलग कर सकते हैं पर कंपाउंड को अलग नहीं कर सकते. ओके, सो मिक्सचर शो द कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ मिक्सचर डू नॉट कंबाइन केमिकली एंड कॉन्स्टिट्यूंट एलिमेंट्स ऑफ कंपाउंड कंबाइन केमिकली. कॉन्स्टिट्यूंट मतलब जिसके वो बने होते हैं. जैसे वाटर H2 और O2 को हम मिलाते हैं गर्म कर तो हमें क्या मिलता है, वाटर. ओके, और सैंड में हम कोई से भी एलिमेंट्स को मिक्स करें ओके, तो हमें सैंड ही मिलती है. ओके, नाउ थर्ड क्या है, मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूंट एलिमेंट्स. ओके, जैसे अगर हमने सैंड के अंदर पत्थर है, कंकर है, बजरी है, तो उसको हम अलग कर देंगे तब भी वो वही रहेंगे, मिक्स कर देंगे तब भी वो वही रहेंगे. पर कंपाउंड में क्या होता है, H2 और O2 को मिलाते हैं तो क्या बनता है, वाटर. अब H2 क्या है, गैस. O2 क्या है, गैस. पर मिलता क्या हमको, वाटर. तो क्या स्टेट चेंज हो गई, हमने गैस को मिलाया, हमको क्या मिल गई, लिक्विड. ओके, तो इसका थर्ड पॉइंट का यही मतलब है, प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड आर इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूंट एलिमेंट्स. जिससे वो बने होते हैं और जो बन रहा है वो क्या है, बिल्कुल डिफरेंट. गॉट इट. ओके, फोर्थ, कॉन्स्टिट्यूंट और मिक्सचर कैन बी ईजली सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड. अगर हमने आयरन के अंदर बहुत सारा कचरा डाल दिया, ओके, आयरन नेल्स के साथ बहुत सारा कचरा है
और हमको आयरन नेल को अलग करना है, तो हम मैग्नेट की हेल्प से आयरन को अलग कर सकते हैं। तो ये मतलब है कि मिक्सर से हम किसी भी चीज़ को अपने मेथड से, फिजिकल मेथड से उनको अलग कर सकते हैं। पर यही हमने वाटर को मिक्स कर लिया, वाटर बन गया, तो क्या हम खींच के H2O को अलग कर सकते हैं? नो। ओके, तो कॉन्स्टेंट ऑफ अ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेट बाय सिंपल फिजिकल मेथड। मतलब हमको उसको लैब में गर्म करके या कुछ केमिकल डाल के ही हम उसको अलग कर सकते हैं। ओके, हम उसको अपने मेथड से, अपने हाथों से, अपने घर में अलग नहीं कर सकते। तो फोर्थ पॉइंट का ये मतलब है। एग्जांपल है एयर एंड सॉइल। अभी एयर में तो फिक्स गैसेस होती हैं, जैसे नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, तो फिक्स है। फिर क्यों बोला मैंने एयर मिक्सचर है? क्योंकि एयर के अंदर क्या होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, वाटर वेपर हैं, जिसकी रेशियो फिक्स नहीं होती। और सॉइल में भी अलग अलग तरह के पार्टिकल्स होते हैं। ऑन द अदर हैंड सॉल्ट, शुगर, कार्बन डाइऑक्साइड। अब सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है? NaCl, फिक्स है वो, हमेशा एक सोडियम होगा और एक क्लोरीन होगा। शुगर का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ओके, तो C के कंपाउंड कितने हैं? 6 है मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन के 12, ओके, ऑक्सीजन के 11 या 6। तो ये भी क्या है, शुगर के अलग फॉर्म होते हैं, तो अलग फॉर्मूला होता है उसका। और कार्बन डाइऑक्साइड CO2। गॉट इट? तो व्हाट आई वांट टू से, मिक्सचर को हम अलग कर सकते हैं, मिक्सचर का रेशियो फिक्स नहीं होता, और मिक्सचर की प्रॉपर्टी पहले और बाद में क्या रहती हैं? सेम रहती हैं, पर कंपाउंड को का फिक्स प्रोपोर्शन होता है। हम उसको केमिकल मेथड से ही अलग कर सकते हैं, फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते, और उसकी प्रॉपर्टी पहले और बाद में कई बार चेंज हो जाती है। गॉट इट? सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। सो मिक्सचर आर द सब्सटेंस इन विच टू और मोर सब्सटेंस आर फिजिकली मिक्स टुगेदर इन एनी ऑफ द रेशियो। गॉट इट? आई होप यू हैव अंडरस्टूड। दिस वॉज अ वेरी स्मॉल मॉड्यूल। ओके, नाउ यू हैव टू राइट ऑल्सो इन द नोट्स। ओके, बाय, थैंक यू।